महा कार्टून टीवी। चुड़ैल बहने। किसी गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी तथा दो बच्चों राहुल और प्रीति के साथ रहता था। श्याम अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों से बेहद नफरत करती थी। वो हमेशा उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई योजना बनाती रहती थी। एक रात सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। क्या बात है बच्चों, आजकल तुम दोनों इतने ज्यादा उदास क्यों रहते हो? क्या कोई दिक्कत है? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे प्रीति भी वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाई की चिंता होगी, वैसे भी दोनों पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। ऐसा करते हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए मेरी बहन के घर भेज देते हैं। उनके वहाँ रहने से हमें चिंता भी नहीं होगी और दोनों का दिल भी बहल जाएगा। पत्नी के बोलने पर श्याम बच्चों को भेजने के लिए मान जाता है। अगली सुबह पूरा परिवार सौतेली माँ की बहन के घर की तरफ चलने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है और वो सब पहाड़ पार करके जंगल तक पहुँच जाते हैं। जंगल के पास पहुँचते ही सौतेली माँ घबरा जाती है। ये आदमी तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे लगता है बच्चों को यहाँ से अकेले ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन ने देख लिया कि प्रीति और राहुल मेरे बच्चे हैं, तो शायद वो उन्हें अपने घर में नहीं रखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात को लेकर एक बार मैंने उसे गुस्से में बहुत बुरा भला बोल दिया था, जिसके बाद से वो जब भी मुझे देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इसीलिए हमें बच्चों को अकेले भेजना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। एक बार फिर पत्नी की बात मानकर श्याम बच्चों को अकेले आगे भेज देता है और खुद वापस घर की ओर चला जाता है। बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो दोनों घर के नजदीक पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक बूढ़ी चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। वाह वाह, आज तो खाना भूखे के पास चलकर खुद आ गया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें खाने की बात कर रहे हो? कृपया हमें कुछ मत करना। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, हमारी सौतेली माँ हमें यहाँ लेकर आई हैं। उन्होंने कहा था कि ये उनकी बहन का घर है। हा, 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 हा। मेरी बहन बहुत तेज है। ठीक है, आज से तुम दोनों जिंदा रहने के लिए मेरे घर का सारा काम करोगे। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और जैसा वो कहती है बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर जब चुड़ैल सो रही होती है तो प्रीति और राहुल कुछ देर आराम करने के लिए खिड़की के पास बैठ जाते हैं। प्रीति जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो उसे एक पेड़ के पास साधु बाबा बैठे नजर आते हैं। लगता है वो साधु बाबा बहुत थक गए हैं, मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। तुम जाओ, मैं चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। अगर वो जाग गई तो मैं तुम्हें बंदर की आवाज निकाल कर बुला लूंगा। प्रीति चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और साधु बाबा के पास जाकर उन्हें पानी देती है। बेटी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन तुम उदास प्रतीत होती हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं और मेरा भाई बहुत दिनों से एक चुड़ैल के घर में फंसे हुए हैं। क्या आप हमें उससे बचाकर अपने साथ लेकर जा सकते हैं? बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता, पर मैं तुम्हें उससे बचने का एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद उनके हाथ में एक डिब्बा आ जाता है।
वो उस डिब्बे को प्रीति के हाथ में देते हुए बोलते हैं, ये डिब्बा अपने पास संभाल कर रखना और रात होते ही चुड़ैल से बचते हुए चुपचाप घर से भाग जाना तथा तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें यह ना लगे कि तुम किसी सुरक्षित जगह पहुंच गई हो। इस बीच अगर तुम्हें लगे कि चुड़ैल तुम्हारे पीछे है या तुम चुड़ैल को अपने सामने देख लो तो बिना कोई देरी किए इस डिब्बे को खोल देना। ये बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और प्रीति घर वापस आकर राहुल को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही जैसे चुड़ैल सोने जाती है वैसे ही दोनों भाई बहन मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता और वो पूरी रात जंगल में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है और रोशनी होने पर जैसे ही दोनों अपने आसपास देखते हैं तो वो पहाड़ी के पास होते हैं। हम पहाड़ी के पास पहुँच गए, बस इसे और पार करना है, फिर हम अपने गांव पहुँच जाएंगे। दोनों जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तभी चुड़ैल अपनी झाड़ू पर बैठकर उनके सामने आ जाती है, परंतु इस बार वहां एक नहीं दो चुड़ैल होती हैं, जिनमें से एक उनकी सौतेली माँ होती है। अपनी सौतेली माँ को इस रूप में देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी प्रीति को डब्बे के बारे में याद आता है और वो उन चुड़ैलों से अपने और अपने भाई की जान बचाने के लिए बिना कोई देरी किए डिब्बे को खोल देती है। जैसे ही डिब्बा खुलता है तभी मौसम खराब हो जाता है और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगती है। नहीं, बंद करो इस बारिश को, बचाओ कोई मुझे, बचाओ, बचाओ, बचो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कृपया मुझे बचाओ, बचाओ। साधु बाबा के अभिमंत्रित डिब्बे से निकली बारिश के पानी में भीगने की वजह से दोनों चुड़ैलों की मृत्यु हो जाती है तथा राहुल और प्रीति दोनों बिना किसी डर के अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही वो अपने पापा को सौतेली माँ और उसकी चुड़ैल बहन के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर श्याम बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपने बच्चों को सही सलामत अपने पास देखकर खुश भी होता है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के आगे एक ना एक दिन हार ही जाती है। जादुई बूटी और राक्षस। बहुत समय पहले किसी घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में माखन सिंह अपने बेटे टिल्लू के साथ रहता था। एक बार वो शहद के लालच में मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने की गलती कर बैठा था, जिसके कारण मधुमक्खियों ने उसकी आंखों में डंक मार मार कर उसे अंधा कर दिया था। माखन सिंह का बेटा टिल्लू अपने पिता की बहुत सेवा करता था और हमेशा उनके साथ रहता था। टिल्लू को अपने पिताजी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन निराश होकर वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे गंगू मौसी मिली। गंगू मौसी उसका निराश चेहरा देखकर बोली, टिल्लू तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ? मौसी, मैं पिताजी को लेकर बहुत दुखी हूँ। वो कुछ देख नहीं पाते इसलिए बहुत दुखी रहते हैं। उन्हें दुखी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। तो तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवाते? मैं उन्हें गांव के हर वेद को दिखा चुका हूँ, पर किसी के पास पिताजी की आँखों का कोई इलाज नहीं है। अरे टिल्लू, तुम उन सबको छोड़ो और नट्टू काका को दिखाओ, उनके पास जरूर इसका कुछ न कुछ इलाज होगा। टिल्लू को गंगू मौसी का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो अगले ही दिन अपने पिताजी को लेकर नट्टू काका के पास गया। उन्होंने माखन सिंह की आंखों में गौर से देखा और टिल्लू से बोले, टिल्लू मैं तुम्हारे पिताजी की आंखें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जादुई जड़ी बूटियाँ चाहिए। कौन सी जड़ी बूटी, आप मुझे बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए कोई भी जड़ी बूटी लाने को तैयार हूँ।
वो जादुई जड़ी बूटियां हैं। उन्हें लाने के लिए तुम्हें पहाड़ के उस तरफ घने जंगल में जाना होगा। वो बूटी दिखती कैसी है? जिस बूटी से तुम्हें सफेद रंग की किरणें निकलती दिखें, बस समझ जाना वही जादुई बूटी है। बस एक बात का ध्यान रखना, वहाँ एक बहुत भयानक राक्षस रहता है और वो तुम्हें इतनी आसानी से बूटी लेने नहीं देगा। ऐसा कहकर काका ने टिल्लू को एक बूटी दे दी। काका, ये बूटी मेरे किस काम आएगी? ये भी एक जादुई जड़ी बूटी है। इसे मैं बहुत पहले उसी जंगल से लाया था। जब भी तुम मुश्किल में फंसो तो इसे खा लेना। उससे क्या होगा? इस पर काका हंसकर बोले, तुम खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। टिल्लू अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही जादुई बूटी लेकर वापिस आऊँगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है टिल्लू। पिताजी से विदा लेकर टिल्लू घने जंगल की ओर चल दिया। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। यह देखकर वो बोला, काका तो कह रहे थे यहाँ पर कोई डरावना राक्षस रहता है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं। लगता है वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से एक बहुत भयानक राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टिल्लू उसे देखकर डर गया। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्यों आए हो? मैं यहाँ अपने बोलते बोलते अचानक टिल्लू रुककर सोचने लगा, काका तो बता रहे थे ये राक्षस इतनी आसानी से मुझे ये जड़ी बूटी नहीं लेने देगा, इसके लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। ये सोचकर वो राक्षस से बोला, मैं दूसरे जंगल से आया एक व्यापारी हूँ, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? मैं किसी से कोई सौदा नहीं करता। मैं कोई ऐसा वैसा व्यापारी नहीं हूँ, मुझे एक ऐसी चीज पता है जो तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। और भी शक्तिशाली? ऐसी कौन सी चीज है? मैं तुम्हें उस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम उसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो। मैं तुम्हें इस जंगल के सारे फल दे सकता हूँ। फल तो मेरे गांव में भी है। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। वो भी मेरे गांव में है। ये सुनकर राक्षस सोच में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो टिल्लू को और क्या दे सकता है। तभी टिल्लू उसे बहुत चालाकी से बोला, मुझे कुछ ऐसा दो जो कहीं और से ना मिल सकता हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो पलटकर चलने लगा। तभी राक्षस बोला, रुको, मेरे पास ऐसी बहुत सी जादुई जड़ी बूटियाँ हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। टिल्लू समझ गया कि राक्षस उसके जाल में फंस चुका है। अपनी खुशी को छुपाकर वो हैरान होकर बोला, सच? तुम्हारे जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं? हाँ, ऐसी जादुई जड़ी बूटियाँ तुमने कहीं नहीं देखी होंगी। ठीक है, तुम मुझे वो जड़ी बूटी दो और मैं बदले में तुम्हें उस चीज के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। ठीक है, तो चलो। राक्षस टिल्लू को पहाड़ी के दूसरी तरफ जादुई जड़ी बूटियों के पास ले गया। वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी। सभी जड़ी बूटियों में से तरह तरह की किरणें निकल रही थी। तभी टिल्लू ने देखा एक जड़ी बूटी में से सफेद किरणें निकल रही थी। वो उस बूटी की तरफ इशारा करके बोला, मैं वो वाली बूटी लूंगा। राक्षस आगे बढ़ा और उसने वो बूटी लाकर टिल्लू को दे दी और बोला, अब तुम उस चीज का नाम बताओ जो मुझे और भी शक्तिशाली बना सकती है। इस पर टिल्लू पहले थोड़ा पीछे हटा और फिर राक्षस को चिढ़ाते हुए बोला, उस चीज का नाम है अकल। क्या? हाँ, अकल। अगर तुम्हारे पास थोड़ी अकल और आ जाए तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकते हो, क्योंकि अकल ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। नहीं, अकल नहीं, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। मैंने तुम्हें अपनी अकल से बेवकूफ बनाकर तुमसे ये जादुई जड़ी बूटी ले ली, इसीलिए अकल ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज हुई ना। और अब मैंने वादे के अनुसार तुम्हें उस चीज के बारे में भी बता दिया जिससे तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे, तो अब हमारा हिसाब बराबर। ये सुनकर राक्षस बहुत गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे पागल बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा तब कुछ करोगे ना। ये कहकर टिल्लू फटाफट भागने लगा
राक्षस भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा। रुको, मेरी जादुई जड़ी बूटी वापस दो। अरे बाप रे बाप, ये राक्षस तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ याद आया, काका ने मुझे एक जड़ी बूटी दी थी, उसे खाकर देखता हूँ। टिल्लू ने काका की दी हुई जड़ी बूटी खा ली। बूटी खाते ही उसमें शक्ति आ जाती है और वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि राक्षस देखता रह जाता है। अरे वाह, काका तो सही कह रहे थे, ये जादुई बूटी तो कमाल है। तेजी से दौड़ता हुआ वो अपने गांव पहुंचता है। अपने गांव लौटकर उसने जादुई बूटी काका को दी। काका ने उस बूटी की दवा बनाकर जैसे ही टिल्लू के पिताजी की आंखों में लगाई, उनकी आंखें एकदम ठीक हो गईं और उन्हें सब दिखने लगा। वो टिल्लू को देखकर बोले, टिल्लू मुझे पता था तुम अपनी अकल से कुछ भी कर सकते हो। इस तरह टिल्लू ने अपनी अक्ल से उस शक्तिशाली राक्षस को भी हराया और अपने पिताजी की आंखें भी ठीक कर दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया में अक्ल ही सबसे शक्तिशाली चीज है और जिसके पास अक्ल है उसे कोई नहीं हरा सकता। कब्रिस्तान का भूत। किसी गांव में एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान से रात को बहुत डरावनी आवाजें आती थी। रात के सन्नाटे में आवाजें इतनी तेज गूंजती थी कि गांव के लोग भी उन आवाजों को आराम से सुन पाते थे। गांव वाले रात को तो क्या, बल्कि दिन के उजाले में भी वहां अकेले जाने से डरते थे। एक दिन कब्रिस्तान में रहने वाला झिंगूरा नाम का भूत गांव में जाने की योजना बनाता है। आजकल तो लोगों ने कब्रिस्तान के रास्ते से आना जाना छोड़ ही दिया है, कितने दिनों से किसी को डराया नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं खुद ही किसी गांव में जाकर लोगों को डराता हूँ। ये सोचकर झिंगूरा गांव की तरफ चला जाता है। जैसे ही झिंगूरा गांव में पहुँचता है, वह देखता है कि गांव में बहुत खुशी का माहौल है और चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है और यहाँ तो लोग भी बहुत सारे हैं, इन्हें डराने में तो बड़ा मजा आएगा। ऐसा सोचकर झिंगूरा जोर से हंसने लगता है। उसकी डरावनी हंसी की आवाज सुनकर गांव के लोग बहुत डर जाते हैं। अरे ये आवाज कैसी थी, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हंस रहा था। अरे मूर्ख इंसान, मैं भूत ही हूँ, कब्रिस्तान का भूत, सभी लोग मुझे झिंगूरा के नाम से जानते हैं। लगता है कोई बच्चा हमारे साथ मजाक कर रहा है, वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। हाँ शायद तुम ठीक बोल रहे हो, बच्चों की शरारतें आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, रुको तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। झिंगूरा गांव वालों के सामने आता है, लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। झिंगूरा उन दोनों आदमियों को हवा में लटका देता है। ये सब देखकर आसपास के लोग डर के अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। झिंगूरा लोगों को डरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है और उन दोनों आदमियों को नीचे उतार देता है। वे दोनों भी उससे डरकर भाग जाते हैं। यहाँ तो पहले से ही लोग इतने डरपोक हैं। लगता है मुझे इन्हें डराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर झिंगूरा पूरे गांव में अपना खौफ पैदा कर देता है। कभी वे गांव वालों के पालतू पशुओं को गायब कर देता तो कभी रात के अंधेरे में लोगों को डराने लगता है। एक दिन गांव के सरपंच जी का बेटा पार्थ खेलते हुए सोचता है, ये भूत का चक्कर क्या है, पता लगाना ही होगा। तभी वहाँ झिंगूरा आता है। लगता है तुम मुझे ही याद कर रहे हो, लो मैं आ गया। झिंगूरा को देखकर और उसकी डरावनी आवाज सुनकर पार्थ डर कर वहाँ से भाग जाता है। वह भागता हुआ गांव में रहने वाले साधु बाबा के पास पहुँचता है। पार्थ को इतना डरा हुआ देखकर साधु पूछते हैं, क्या हुआ पार्थ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा वो मैंने उस डरावने झिंगूरा भूत को देखा, उसकी आवाज भी बहुत डरावनी है। बेटा पार्थ,
तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबका डर ही उसकी ताकत है। बाबा मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि उस भूत की ताकत का रहस्य हमारा डर है। अगर हम उससे ना डरें तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर बाबा इससे वो गांव छोड़ के तो नहीं जाएगा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे ये झिंगूरा गांव छोड़कर चला जाए? हाँ एक उपाय है, पर वो थोड़ा मुश्किल है। क्या उपाय है बाबा बताइए ना। अगर कोई इंसान कब्रिस्तान जाकर इसकी कब्र की मिट्टी लाकर इसके ऊपर फेंक दे तो ये वापस चला जाएगा और इसके बाद कभी लौट कर नहीं आएगा। पर बाबा इसकी कब्र का पता कैसे चलेगा, वहाँ तो बहुत सारी कब्र होंगी। कब्रिस्तान की सारी कब्रों पर एक पत्थर होता है जिस पर उस कब्र में दफनाए हुए व्यक्ति का नाम लिखा होता है। बस जिस कब्र पर झिंगूरा का नाम लिखा हो हमें उसी कब्र की मिट्टी चाहिए होगी। ठीक है बाबा, मैं अभी उस कब्र से मिट्टी ले आता हूँ। ऐसा कहकर पार्थ वहाँ से सीधा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे झिंगूरा मिलता है। कहाँ जा रहे हो, बहुत जल्दी में लग रहे हो। पार्थ बिना डरे उसके सवालों का जवाब देता है। मैं तुम्हारी कब्र की मिट्टी लेने जा रहा हूँ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या मेरी कब्र की मिट्टी? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। झिंगूरा वहाँ से गायब हो जाता है और कब्रिस्तान जाकर अपनी कब्र के ऊपर लगे पत्थर को हटा देता है। अब देखता हूँ वो बच्चा मेरी कब्र का पता कैसे लगाता है। झिंगूरा वहाँ से चला जाता है। तभी पार्थ वहाँ पहुँचता है, वह देखता है कि किसी भी कब्र पर झिंगूरा नाम का कोई पत्थर नहीं लगा हुआ। वह सोच में पड़ जाता है, यहाँ तो किसी भी पत्थर पर झिंगूरा का नाम नहीं लिखा हुआ है। तभी पार्थ की नजर एक कब्र पर पड़ती है जिस पर कोई पत्थर नहीं लगा होता। पार्थ समझ जाता है कि ये झिंगूरा की कब्र है। वो उस कब्र की मिट्टी गांव ले जाता है। तभी झिंगूरा वहां आता है। क्या हुआ, मिट्टी नहीं मिली क्या? मिट्टी तो मिल गई, बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ऐसा कहकर पार्थ झिंगूरा पर कब्र की मिट्टी फेंक देता है और झिंगूरा वापस अपनी कब्र में चला जाता है। इस तरह गांव वालों को झिंगूरा से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले पार्थ की बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।